ओम शांति। आज है 29 दिसंबर 2021 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, फॉलो फादर, फिर देखना इसके एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब बाप ओम शांति कहते हैं तो दादा भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी अंदर में कहते हैं ओम शांति। जब कोई भाषण करते हैं तो ओम शांति कहते हैं, वहां सब बैठे हुए भी कहते हैं ओम शांति। रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आत्माओं और परमात्मा का अभी मिलन हो रहा है, गाया भी हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जिससे बहुत काल अलग रहते हैं उनसे ही सम्मुख मिलते हैं। वह आते हैं अपना पाठ बजाने, भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढते रहते हैं, आखिर वह दिन भी आता है जबकि बाप से मिलना होता है। सिर्फ एक भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब है विनाशी खंड। नई दुनिया में तो सिर्फ भारत ही होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, यह तो है ही। अभी तो कितने खंड हैं। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो वहां कोई खंड नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे और कोई मनुष्य नहीं थे। भारत में सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, अभी उन्होंने सिर्फ चित्र रह गए हैं, यादगार तो रहना चाहिए ना। पहले कितना छोटा झाड़ होता है, उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, ईश्वर की स्थापना है ना। अभी तो है आसुरी स्थापना और सत्युग की है दैवी स्थापना। ईश्वर की स्थापना आधा कल्प चलती है, फिर आसुरी स्थापना होती है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। दुनिया में कोई जानते नहीं कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। देवी देवता फिर कहाँ गए, पावन सो फिर पतित कैसे बने। सीढ़ी उतरना होता है ना, कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाप कहते हैं पांच विकारों को छोड़ो, जब तुम रावण की जेल से छूटेंगे तो राम राज्य स्थापन हो जाएगा। वहां यह पांच विकार होते नहीं, यह भी किसको पता नहीं है। मनुष्य समझते हैं यह सदा से ही चले आते हैं। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत, तुम्हारी है एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत, यहाँ है आसुरी मत। तुम जानते हो हम भारतवासी राम राज्य में थे, पूज्य सो पुजारी बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अभी बैठी है, हम ही पूज्य थे फिर पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने हैं। वह समझते हैं परमात्मा ही पूज्य पुजारी बनते हैं, उनकी ही सारी लीला है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है, यह सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है, जिस बाप को आधा कल्प याद किया है अब वह मिला है। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, वही आत्माएं फिर दुख में आती हैं तो बाप को याद करती हैं। सत्युग में कोई भी बाप को बुलाएंगे नहीं,
तो अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मेला होता है। बाप ही ज्ञान का सागर है, इसमें पानी के सागर की बात नहीं। संगम पर देखो कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। अभी सच्चा सच्चा मेला तुम्हारा लगा हुआ है। सब तो इकट्ठे मिल नहीं सकते, कोई कहाँ से कोई कहाँ से आते हैं। मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं स्नान करने, जन्म जन्मांतर यह स्नान करते आए हैं। कहते हैं यह मेला लगता ही रहता है, छोटा और बड़ा कुंभ भी कहते हैं। अब बाप तो एक ही बार आते हैं पतितों को पावन बनाने। गंगा पतित पावनी है तो क्या वह ज्ञान सुनाएगी। यहाँ तो पतित पावन बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी दुनिया की हालत क्या है। विनाश तो बच्चों ने देखा है, अर्जुन तो यह ब्रह्मा ठहराना। यह तो है मनुष्य का रथ, यह बताते हैं हमने विनाश भी देखा, अपनी राजधानी भी देखी तब छोड़ा, घर आदि सब कुछ फट से छोड़ दिया। विनाश तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसातल में चला जाएगा पतित बनने से। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे कोई कोई आ जाते हैं, समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए, यह बड़ी गंदी चीज है। विलायत में चार पांच बच्चे पैदा करने वालों को इनाम मिलता है, सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है, सो भी विकार की वहां बात नहीं। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कन्या शादी करती है तो कन्या को गुप्त रीति से बहुत कुछ देते हैं, जो किसको पता नहीं पड़ता। बाप भी कहते हैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ, किसको पता पड़ता है क्या हम क्या दे रहे हैं। यह है गुप्त, कोई समझ नहीं सकते कि यह बीके विश्व के मालिक बनेंगे। यह तुम अभी समझते हो। हम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, कल्प पहले भी मिले थे। बाबा को ही राम कहते हैं, राम त्रेता वाला नहीं, उनको तो सिर्फ उनका बच्चा ही बाबा कहेगा। यह तो है बेहद का बाप। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण कर ऐसा बनना है। इन देवी देवताओं की कितनी महिमा करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं अच्युतम केशवम, अब कहाँ राम कहाँ नारायण, सबको मिला देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अभी तुमको नटशेल में सबको समझाया जाता है, द्वापर से लेकर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। 84 का चक्र लगाकर नीचे उतरना ही है, 84 जन्म गाए जाते हैं। बाबा ने पूछा यहाँ तुम बैठे हो तो क्या सब 84 जन्म लेंगे, या कोई 80-82 भी लेंगे, क्या सब पास होंगे, क्या भागंती हो जाने वालों के जन्म कम जास्ती नहीं होंगे। अवस्था अनुसार ही हर एक का पाठ होगा ना, बहुत हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, फिर सत्युग में कैसे आएंगे। वह तो प्रजा में भी बहुत देरी से आएंगे, क्योंकि ग्लानी करते हैं, इतने सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आ सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनती है। बाप तो ज्ञान का सागर है, कौन सा उसमें ज्ञान है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुमको अब ज्ञान मिल रहा है, वह तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। त्योहार भी जो मनाए जाते हैं वह है सब इस समय के, जो फिर बाद में मनाए जाते हैं। तुमको तो आधा कल्प सुख में हॉलीडे मिल जाती है, कभी दुख का नाम नहीं देखेंगे। हॉलीडे हो जाता है क्योंकि तुम पवित्र हो जाते हो ना। बाप समझाते हैं तुम्हारा यह अंतिम जन्म है,
जब रावण राज्य शुरू होता है उसको मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। सुख और दुख राम और रावण का यह खेल है। राम द्वारा तुम राज्य पाते हो, रावण द्वारा तुम राज्य गंवाते हो। बाप कहते हैं, तुम अपने जीवन को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके, बाप ही बतलाते हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प की आयु लाखों वर्ष हो जाती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता जो इन बातों को समझ सके। कल्प की आयु भी रोंग लिखती है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है, आगे चलकर और अच्छी रीति समझाएंगे। जब कोई मरता है तो उसमें सिर्फ थोड़ा वैराग्य आता है, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। शमशान से बाहर निकल मार्केट में गए तो खलास, जाकर मांस मदिरा खरीद करेंगे। तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा समझाते हैं वैराग्य दो प्रकार का है, निवृत्ति मार्ग वालों का है हद का वैराग्य। वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञान देंगे ही नहीं, दोनों पवित्र बनो यह वह कह नहीं सकते। गीता वह सुना न सके, तुमको तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलता है। वह समझते भी हैं परंतु उनको डर रहता है, आगे चलकर मान लेंगे। बरोबर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, अगर अब कहेंगे तो उनके सब फॉलोअर्स भाग जाएंगे। फट से कहेंगे इनको बीके का जादू लगा है। अब बाप समझाते हैं, अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो। मुख्य बात है पवित्रता की। यहाँ मनुष्यों का खान पान ही देखो कितना आसुरी है। जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा एक भी नहीं है। अभी तुम बन रहे हो। सत्युग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं, वहां है ही श्रेष्ठाचारी पावन, यहाँ है भ्रष्टाचारी पतित। सत्युग में 5 विकार होते नहीं। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क पड़ जाता है, इनको तो रावण राज्य कहेंगे ना। पतित पावन एक ही गॉड फादर है, तुम जानते हो वह हमारा बेहद का बाप है। बेहद के बाप रचयिता को रचना याद करती है। बाबा ने समझाया है सत्युग में है एक बाप, फिर होते हैं दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुमको है 3 बाप, लौकिक पारलौकिक अलौकिक। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल है, बाप और दादा दोनों बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो गाया हुआ है ना, वह अभी ही मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, वह है निराकार। निराकार और साकार दोनों इकट्ठे हैं, दोनों का हाईएस्ट पोजीशन है। इनसे बड़ा कोई होता नहीं, और कितना साधारण रीति बैठे हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है बच्चों के लिए। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। एक शरीर से आत्मा निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है, तुमको रोने की दरकार नहीं है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं, तुमको रोने की दरकार नहीं। सत्युग में कभी रोते नहीं, वहां है ही मोहजीत। यह सब बातें तुमको संगम पर ही समझाई जाती हैं। तुमको यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुशी होनी चाहिए, इसलिए बाप ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति का बैच व मेडल जेब में डाल दो, घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल कर देखो। ओहो, हम तो यह बनने वाले हैं, बहुत खुशी होगी। औरों को भी दिखाकर खुश करो कि हम यह बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी। मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी बात की क्या परवाह करनी है। कुछ घाटा पड़ा सो क्या, हम तो भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनते हैं। देखो बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है।
बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन इसमें लगाओ, फिर इनके एवज में देखो तुमको क्या मिलता है। आत्मा भी गोल्डन बन जाती है तो तन भी सुंदर, धन तो अथाह रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति बनना है, इसी खुशी में रहना है और सबको खुश करना है, किसी बात की परवाह नहीं करनी है। नंबर दो, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का वैरागी बनना है, एक बाप को फॉलो करना है। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं, एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।